नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल व्हीकल टीवी पे। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे जो व्हीकल रिलेटेड वीडियोज हैं उन पे कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे, जिसमें वो बोल रहे थे कि सर, जब हम अपने व्हीकल की पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर व्हीकल के डॉक्यूमेंट जब हम ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे एरर आ रहा है, सॉरी प्लीज ट्राई अगेन। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में आप बता दीजिए। कुछ लोगों का ये भी डाउट था कि सर, हमने अपने व्हीकल की पेमेंट ऑनलाइन कर दी है और व्हीकल की पेमेंट जैसे ही ऑनलाइन किया तो उसके बाद ऑटोमेटिक ये एरर आ रहा है, सॉरी प्लीज ट्राई अगेन। तो अब हमको क्या करना चाहिए, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप बता दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी जो व्हीकल की पेमेंट है उसको वेरीफाई किस तरीके से कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट आप व्हीकल के किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं, पेमेंट रिसिप्ट आप किस तरीके से ऑनलाइन निकाल सकते हैं, और जो भी अदर इम्पोर्टेंट फॉर्म है उनको आप किस तरीके से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिएगा परिवहन, उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करें। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से स्टेट में आपका व्हीकल रजिस्टर्ड है। उसके बाद यहाँ पे आप आरटीओ सेलेक्ट कर लीजिए, आरटीओ डाल लीजिए, किस आरटीओ में आपका व्हीकल रजिस्टर्ड है। अगर आपको आरटीओ नहीं पता तो सिंपली व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करके गाड़ी नंबर यहाँ पे डाल के प्रोसीड पे क्लिक करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे मेरे को रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का पता है किस अथॉरिटी में व्हीकल रजिस्टर्ड है, तो वो मैंने यहाँ पे डाल लिया और प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अब दोस्तों, अगर आपको पेमेंट वेरीफाई करनी है, पेंडिंग में आपकी पेमेंट चली गई है, तो यहाँ से री वेरीफाई पेमेंट ट्रांजेक्शन पे क्लिक करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन आप पेमेंट रिसिप्ट निकालना चाहते हो तो रीप्रिंट रिसिप्ट, इस पे क्लिक कीजिएगा। और इस तरीके से इस पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे ही आप कर्सर लाओगे तो रीप्रिंट रिसिप्ट का आ जाएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर वाइज भी आप देख सकते हो, या दूसरा तरीका ये कि रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज, इस पे क्लिक करें, यहाँ पे ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर आपका टैक्स का था तो टैक्स सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी था वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे हमारा एप्लीकेशन का था तो एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे गाड़ी नंबर डाल दीजिए, चेसिस नंबर के लास्ट की 5 डिजिट डाल दीजिए, ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डाल के शो डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी के नीचे जो नंबर है इस पे क्लिक करें, और अगर यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, प्रिंट रिसिप्ट का आ रहा है डायरेक्ट, तो उस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप ट्रांजेक्शन आईडी के नीचे जो नंबर है इस पे क्लिक करोगे, इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अगर इस तरीके से ओपन होके नहीं आता है, इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है प्रिंट सीएमवी फॉर्म 33, इस पे क्लिक करके आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हो तो बुक अपॉइंटमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने अपॉइंटमेंट का आ जाएगा, या इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो तो उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करके आप सबमिट कर दीजिएगा। और अगर आपकी पेमेंट वेरीफाई नहीं हुई है तो यहाँ पे जो है री वेरीफाई पेमेंट ट्रांजेक्शन, इस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे री वेरीफाइड फ्रंट, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल के एक कैप्चा वर्ड यहाँ डाल के शो डिटेल्स पे क्लिक करके आप वेरीफाई कर सकते हो। पेमेंट वेरीफाई करने के और भी तरीके मैं आपको बता दूंगा। अब डॉक्यूमेंट तो एक तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, दूसरा तरीका यहाँ से भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। इस यहाँ पे अपलोड पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर में आपको डाउट हो सकता है तो एप्लीकेशन नंबर मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ से आपको मिलेगा। ये जो आपकी पेमेंट रिसिप्ट है यहाँ पे जो है ये एप्लीकेशन नंबर है, ऑब्लिक से पहले जो है एप्लीकेशन नंबर है, ये आपको वहाँ पे डालना है। यहाँ पे चेसिस नंबर के लास्ट की 5 डिजिट, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका दिख जाएगा, जनरेट ओटीपी पे आप क्लिक कीजिएगा।
और उसके बाद एप्लीकेशन आपके ओपन होके आ जाएगी, तो सर्विस जो भी आप वो आपका क्लिक करके प्रोसीड करोगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट री अपलोड यहाँ से आप कर सकते हो, इस पर क्लिक करके मॉडिफाई अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये डिटेल डाल के आप मॉडिफाई डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। जब आप हमारे चैनल पे आओगे और यहाँ पे डालोगे व्हीकल डॉक, सिंपली ये डाल दीजिएगा, इसमें कंप्लीट प्रोसेस बता रखा है हमने कि किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट अपलोड या री अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। और अब मैं आपको फाइनल बता देता हूँ पेमेंट वेरीफाई का। तो यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस भी क्लिक करके व्हीकल रिलेटेड सर्विस भी क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है नो योर पेमेंट ट्रांजेक्शन स्टेटस, दो है तो पहले इस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सर्च पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, वेरीफाई रिसिप्ट पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, यहाँ पे रिसिप्ट नंबर डालिएगा और वेरीफाई पे क्लिक करके वेरीफाई आप कर सकते हैं। तो ये दोस्तों पूरे तरीके हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। दोस्तों जो भी मैंने आपको तरीका बताया है, और अगर बार बार जो एरर था, सॉरी प्लीज ट्राई अगेन, इस तरीके से जो आ रहा है बार बार अगर वही आ रहा है तो कभी कभी साइट पे काफ़ी लोड होता है, काफ़ी ट्रैफिक होता है, इस वजह से एरर आता है। तो बार बार आप ट्राई करते रहिएगा। और जैसे अगर आप गूगल क्रोम यूज करो तो एक बार मोजिला यूज करके देख लीजिएगा, उसमें भी देख लीजिएगा। व्हीकल रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस पर क्लिक करके व्हीकल डाल दीजिएगा, व्हीकल रिलेटेड जितनी वीडियो हमने अपलोड करके वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएगी। या स्पेशल भी आप डाल सकते हो, जैसे व्हीकल एनओसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो व्हीकल एनओसी डाल दीजिएगा, व्हीकल ट्रांसफर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हीकल ट्रांसफर डाल दीजिएगा, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो टर्म यहाँ पे डाल दीजिएगा, उससे रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। लाइसेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो ड्राइविंग यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप ड्राइविंग डालोगे तो चाहे लर्निंग लाइसेंस हो, परमानेंट या रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, उससे जो भी है सब वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।